Sir, Honorable Speaker, sir, I just want to clarify on three, four things which Honorable Chief Minister Saab had said. And it is very misleading, sir. Sir, every political party has the right to contest elections wherever they want. He says ke MIM didn't allow Shabbir Ali to win. Did MIM contest in Nizamabad? Sir, and second thing about Jubilee Hills. Sir, Jubilee Hills, we have corporators there. And we have earlier also contested. This time also we contested. You mean, and one more thing, sir. When I do not have any objection, when a Congress candidate is contesting against me, and rest of them also do not have. Congress contested at Karwan. Congress gave a ticket to a Muslim. So I should say that, ke aap jo hai so hamare Musalman ko jeetne nahi diye. What an immature talk, sir. What is this? Kya main ye bolunga? Dekhiye sahab, sawal wo nahi hai ke aapko ladne ka ikhtiyar hai, humko ladne ka ikhtiyar hai. Ab hum jahan se lade, aap bolenge ke nahi, aap wahan se nahi ladna. Sir, I am not a minority cell of any party. I am a Majlis-e-Ittehad-ul-Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? How can you say that? Speaker sir, please. Akbaruddin Owaisi sahab ne phir mudde ko दूसरे रास्ता में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. मैं जिम्मेदारी से आप जो सवाल किए वो सवाल को मैं फिर जवाब देना पड़ रहा. 2014 में जुबली हिल से MIM चुनाव लड़ा था जब नवीन यादव को टिकट दिए थे. 2018 में MIM जुबली हिल से चुनाव नहीं लड़ा. वही नवीन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो पार्टी से बर्खास्त कर दिए. अभी 2023 में हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए, ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए, मगर वहाँ पर दूसरे MIM माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए. मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा. जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए. इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर के चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्धिपेट है बगल में, उसके बगल में उनके बेटा का सिरसिला भी है. दो बेटा का और दामाद का छोड़कर वो गया कामारेड्डी. तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नियत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर, इतना ही है. अकबर साहब, सर माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज दैट सर लेट मी कंप्लीट व्हाट आई हैव टू से. सर लेट मी जस्ट कंप्लीट व्हाट आई हैव टू से. सर प्लीज. Sir, now the question arises, I really don't understand. He's such a senior person and Almighty has blessed him with such a big chair in spite of having a political career started from ABVP, then TRS, then BJP and then Congress, then also RSS. He should be more matured because he's gone everywhere here and there and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. Sir, it is... No, sir. Let me complete, sir. This is... Sir, it is...
Sir, I request. Sir, CM Gar. MIM पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे. आप लोग नादेन्द्र भास्कर राव से दोस्ती किए, आप लोग NTR से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद KCR से भी दोस्ती किए. नादेन्द्र भास्कर राव से लेकर जिस दिन नादेन्द्र भास्कर राव तेलुगुदेशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है. अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में हैं. किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है. यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के आए, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है. यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो. अगर एक दिन चर्चा करना है, KCR साहब ने किधर किधर घूम के आया, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में TDP में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर BJP से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा अगर मौका दिए तो कौन कौन कहाँ कहाँ घूम के आए, सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है. अगर आपका भी मौका दिए तो उसी के ऊपर एक दिन पूरा दिन हम चर्चा करेंगे स्पीकर सर.